हाय गाइस, बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल का क्या प्लान रहेगा? कल एक्सपायरी है हमारे पास, तो देखते हैं दोनों को कैसे ट्रेड करेंगे और क्या व्यू रहेगा। राइट, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज हुआ क्या मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और मार्केट अगर आप देखो तो गैप डाउन खुलती है और उसके बाद कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिलती है। बायर्स कहीं पे भी बचा नहीं पाते। बायर जो है वहां पुराने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर गए, एक छोटा सा सपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद रैली आती है। जो आप ये देख रहे हो ये एवरेजिंग इंडेक्स बैलेंस हो रहे हैं, ये उसका मूव है, तो इसको मत काउंट करो। ठीक है, ओवरऑल मूव को देखो तो सेलर्स ने ट्राई करी थी बट बायर्स ने 18,500-18,490 के आसपास से बचा लिया। तो हमारे पास कल के लिए एक अच्छा जो सपोर्ट एरिया फिलहाल बन चुका है वो ये है। ठीक है, क्योंकि तो यहां से बायर्स ने इसको बचाया। और रही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की तो हमारे पास पहले से ही लाइन है। अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला एरिया जो कि 1-2 दिन का लो था और अब तीसरे दिन का हाई भी है। ठीक है, तो जो कल की रेंज मिलती है मेरे को वो मिल रही है लगभग 18,500-18,480 वाली और 18,580 वाली, ये 100 पॉइंट के अंदर। इसके ऊपर मेरे लिए ये रेंज रहेगी और इसके नीचे एक वाइड रेंज है जहां पे जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि मार्केट खुलती कहां पर है। अगर मैं प्रीमियम जाके देखूं अभी, पर हम थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं, तो मार्केट 530-550 मार्केट प्राइसिंग करती है 88-90 पॉइंट्स के आसपास, जो कि बहुत कम है और हमारी रेंज के हिसाब से परफेक्ट बैठती है वो चीज, बट डिपेंड करता है कहाँ खुलती है। अब अगर हम एक और दिन गैप डाउन खुलते हैं तो मेरे, और गैप डाउन खुलने के 10-15 मिनट तक सेलर्स कंट्रोल रखते हैं अपने पास, तो मेरे हिसाब से एक और हमारे को सेलिंग का दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम गैप अप खुलते हैं, ठीक है, गैप अप खुलने का मेरे हिसाब से जितने भी लोगों ने आज शॉर्ट करा वो सब फटाफट कवर करेंगे और एक मूव देखने को मिलेगा और फिर से हम आके इसी रेंज के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, बट डिपेंड कितना बड़ा गैप अप होता है। अगर हम इस लेवल के ऊपर खुलते हैं जो कि 18,550 का लेवल समझ लो आप, ठीक है, ये वाला लेवल के ऊपर खुलते हैं और अप मूव देखने को मिलता है, तो हो सकता है एक साइडवेज तो बुलिश डे हो, या डाउन खुल के सेलिंग देखने को मिलती है तो साइडवेज टू बेरिश डे हो। कंप्लीट ट्रेंड मैं कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब पूरा एक ट्रेंडी डे तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। राइट, और साइडवेज अगर हम बिल्कुल फ्लैट खुलते हैं, ये प्लान है मेरा कल के लिए फॉर निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर जिसने और ही ज्यादा वाइल्ड मूव दिया। तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने का शार्प सेलिंग आई और अगर आप देखो तो लगभग लगभग ऊपर से 500 पॉइंट का 1% का इसने डाउन मूव दिया आज। ठीक है, उसके बाद देखो 1% का डाउन मूव दिया और वापसी 450 पॉइंट, 1% वापस बैक आ। तो ये जो दिन हो गया ना, ये दिन हो गया कंफ्यूजन का दिन, क्योंकि आप ऐसे देखो सेलर्स ने यहाँ पर चार्ज लिया, सेलर्स मार्केट को प्राइस को नीचे तक खींचते हुए हैं, लेकिन बायर्स ने उसको एग्जैक्ट बचा लिया 43,800 से सीधा ऊपर ले गए। ठीक है, तो कल के लिए मेरे पास क्या एरिया मिल गया, मेरे को एक ये मिल गया सपोर्ट जोन जहाँ पे पुराने बायर्स ने बचाया और एक ये वाला एरिया मिल गया जहाँ पे पुराने सेलर्स ने बेचा। ठीक है, मैं इसका अगर आवरली चार्ट पे ले आऊँ आपको तो ये बहुत ही बड़ी रेंज मिल गई है और ये एक ऐसी रेंज है जहां पे ना आप बुलिश हो सकते हो ना आप बेरिश हो सकते हो। अभी हम करंटली बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हैं तो बुलिश ट्रेंड के अंदर ही, तो हम बेरिश होने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हम एक साइडवेज टू बेरिश डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या साइडवेज टू बुलिश डे, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेंड को मुझे कहीं तक नहीं दिख रहा जब तक अब हम ये वाला लेवल दोबारा से नहीं तोड़ते जो कि हो गया 43,400 वाला। ठीक है, और अगर हम इसके कुछ जाके प्रीमियम देख लें अभी बैंक निफ्टी, तो ये 300 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है 250 से, 260 से 300, तो इसमें भी जो प्रीमियम है वो बहुत ही गंदा है। प्रीमियम ना निफ्टी के अंदर बढ़िया है ना बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले सुबह। देखो अब मेरा इसमें क्या प्लान रहेगा, जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग करके गए हैं अगर ये लेवल टूटता है गैप डाउन, देखो मान लो हम गैप डाउन खोले यहाँ पर 44,000 में 100 पॉइंट का गैप डाउन और सेलिंग आनी शुरू होती है और ये लेवल टूटता है, तो मेरे हिसाब से ये लोग जो बायर्स हैं ये भी भाग जाएंगे फटाफट घर अपने, और ये भागना शुरू हुए तो सेलर्स फिर से डबल चार्ज ले लेंगे क्योंकि एक बार बायर्स ने यहाँ पर बचा के देख लिया। लेकिन मान लो हम गैप अप खुल जाते हैं, गैप
खुलने के बाद इसको तोड़ देते हैं इस लेवल को, तो उसके बाद जो सेलर्स है ना वो चार्ज लेंगे इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो सेलर्स हैं वो भागना शुरू होंगे। सेलर्स मेरे हिसाब से यहां तक सेफ बैठे। ये प्लान है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।